हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने और चांदी के बाल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सोने और चांदी के बाल की कहानी। रायगढ़ नाम के एक राज्य में बलबीर सिंह नाम का एक राजा राज करता था। बहुत समय बाद बलबीर सिंह को दो बेटियां होती हैं। राजा की एक बेटी का बाल सोने का था और दूसरी का चांदी का। महाराज, देखिए कितनी खूबसूरत दो बेटियां हुई है हमारी। कितने दिनों बाद मुझे ये खुशी प्राप्त हुई है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी दोनों बेटियां कितनी सुंदर है दिखने में। मेरे सोने के बाल वाली पुत्री का नाम होगा सोनी और चांदी के बाल वाली पुत्री का नाम होगा चंदा। दोनों ही नाम अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे हैं महाराज। दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। दोनों साथ में खेलती थी, लेकिन सोनी को अपने सोने के बाल होने का बहुत घमंड था। वो चंदा के सफेद बाल देखकर बहुत हंसती थी। माँ पिताजी, मेरे बाल कितने सुंदर है ना? चंदा के बाल देखिए सफेद हैं, बिल्कुल बुड्ढी जैसे। हाँ बेटी, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। सोने के है ना, इसलिए। पिताजी, मुझे सोने की एक कंघी बनवा कर दीजिए ना, मुझे चाहिए। ठीक है बेटी, मैं आज ही तुम्हारे लिए सुनार को बुला कर सोने की कंघी बनवा दूंगा। तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं, तुम्हें तो कंघी बनवा कर देना ही पड़ेगा। पिताजी, आप मुझे नहीं देंगे क्या कुछ भी? बेटी, तुम्हारे लिए जो महल में कंघियां हैं वही काफी हैं। अपने पिता की बात सुनकर चंदा बेचारी उदास हो जाती है। चंदा को इसी तरह हर चीज के लिए मना कर दिया जाता था और सोनी को ज्यादा प्यार दिया जाता था। इस वजह से सोनी बिगड़ गई थी। उसने बहुत घमंड आ गया था। जब एक दिन सोनी बगीचे में अकेले घूम रही थी तो उसे एक सूखा हुआ फूल दिखा। उस फूल को देखकर सोनी बहुत गुस्सा हुई। ये क्या, मेरे बाग में फूल सूखकर गिर गया और माली को बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। सबके सब सर पर चढ़ गए हैं। आज इस माली को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। सोना तुरंत माली की शिकायत अपने पिता से कर देती है। राजा माली को बुलाते हैं। माली, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई है। मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दीजिए। झूठ बोल रहा है ये माली, इससे गलती हुई है। ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि इस माली को अभी के अभी इसी वक्त यहाँ से निकाल दिया जाए। तभी वहाँ मौजूद चंदा कहती है, नहीं पिताजी, इतनी छोटी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा देना उचित नहीं है, ये तो अन्याय है। उन्होंने हमारे बगीचे में कितने अच्छे फूल खिलाए हैं। बड़ी आई न्याय और अन्याय की बातें करने वाली। गलती मतलब गलती, कल से ये माली यहाँ काम नहीं करेगा, ये मेरा फैसला है। सुनो माली, सोनी सही कह रही है, तुम चले जाओ, तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। माली मायूस होकर महल से चला जाता है, लेकिन उसे सोनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद राजा के पास एक खत आता है। महारानी, मेरे प्रिय दोस्त रामू प्रताप ने हमें पूरे परिवार के साथ आमंत्रित किया है। हमें कब जाना होगा महाराज? कल सुबह महारानी। अगले दिन सुबह राजा सब परिवार के साथ अपने दोस्त रामू प्रताप के पास चले जाते हैं। आओ 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 मेरे प्रिय मित्र रामू, कितने दिनों बाद हमारा मिलना हुआ है।
रामू प्रताप का बेटा राजू प्रताप सिंह भी वहीं मौजूद था। राजीव को देखकर सोनी मन ही मन सोचती है कि वाह कितना सुंदर दिखता है राजकुमार राजू प्रताप, और मैंने सुना है ये बहुत वीर भी है, मुझे ऐसा पति ही तो चाहिए। थोड़ी देर बाद महाराज बलबीर सिंह और महाराज रामू प्रताप सिंह शिकार पर चले जाते हैं। चंदा बगीचे में टहलकर पक्षियों की आवाज का और प्रकृति का आनंद लेने लगती है। अरे वाह इस बगीचे में तो कितने सुंदर सुंदर पक्षी हैं, कितने प्यारे प्यारे पेड़ हैं। पता नहीं लोग इन पक्षियों का शिकार क्यों करते हैं। तभी चंदा को थोड़ी दूर पर राजकुमार राजीव प्रताप दिखाई पड़ता है। अरे वाह ये तो राजकुमार राजीव प्रताप है, नजदीक जाकर देखती हूँ। चंदा उनके पास जाती है और कहती है, राजकुमार आप यहाँ, आप पिताश्री के साथ शिकार पर नहीं गए? क्या बताऊँ मैं आपको राजकुमारी चंदा, मुझे शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं। इन प्यारे प्यारे पक्षियों को मुझे मारने का मन ही नहीं करता, इसलिए मैं सबसे छिपकर यहाँ पर आ गया ताकि कोई मुझे शिकार पर जाने के लिए ना बोले। मुझे भी बिल्कुल आपकी तरह पक्षियों को मारना बिल्कुल पसंद नहीं। आइए हम इधर बैठकर आराम से पक्षियों का गाना सुनते हैं। राजीव और चंदा इसी तरह छुप छुप कर एक दूसरे से मिलने लगते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। तभी एक दिन सोनी अपने पिताजी से कहती है, माँ और पिताजी मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। क्या बात है मेरी प्यारी पुत्री, बोलो। मुझे राजकुमार राजू प्रताप सिंह बहुत पसंद है, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आज ही अपने मित्र से इस बारे में बात करता हूँ। ये सारी बातें चंदा सुन लेती है और मन ही मन सोचती है, नहीं नहीं ये मैं क्या सुन रही हूँ, मैं और राजू तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं ये शादी रोक भी तो नहीं सकती, मुझे तो पिताजी ने कभी मेरी पसंद की चीज नहीं दी। सोनी बहन को तो जब जो चाहिए उन्हें मिल जाता है, इस बार भी मैं अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाऊंगी। राजा अपने दोस्त रामू प्रताप से शादी की बात करता है। रामू प्रताप इस बात से बहुत खुश होता है, लेकिन विवाह के लिए वो एक बार राजीव से पूछने जाते हैं। बेटा राजीव मैं तुम्हारी शादी अपने मित्र की पुत्री से तय करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? राजीव अपने पिता की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका विवाह चंदा से होने वाला है और वो हाँ कर देता है। नहीं पिताजी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है बेटा फिर तुम्हारी शादी कल प्रातः काल ही होगी, क्योंकि मेरे मित्र को अपने राज्य की ओर लौटना भी है। इतना कहकर राजू के पिता अपने कक्ष में चले जाते हैं। उसी रात एक चोर राजकुमारी सोनी के सारे बाल काट कर ले जाता है। अगले दिन सुबह जब राजकुमारी अपने बाल देखती है तो बहुत रोती है। तुम चिंता मत करो बहन, तुम मेरे बाल ले लो। तू पागल हो गई है, तेरे बुढ़िया जैसे सफेद बाल मुझे नहीं चाहिए। लेकिन सोनी राजकुमार को सफेद बाल बहुत पसंद है, तू सच कह रही है ना? हाँ बहन। उसके बाद सोनी चंदा के बाल ले लेती है। फिर राजकुमार और सोनी की शादी हो जाती है। सोनी के सर पर सफेद बाल देखकर राजकुमार उसे पहचान नहीं पाता। शादी की पहली रात को, क्या हुआ आज के दिन तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? आज के दिन तो लड़कियों को शर्म आती है। वाह तुम बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हो, ये तो मैं उसी दिन समझ गया था,
जिस दिन मैं और तुम बगीचे में बैठकर पक्षियों का गाना सुन रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप कौन सी बातें कर रहे हैं? क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है चंदा? क्या चंदा, लेकिन मैं तो सोनी हूँ। क्या, लेकिन मुझे तो लगा था कि मेरी शादी चंदा के साथ तय हुई है। मैं और चंदा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मतलब चंदा आपसे प्यार करती है और उसने मेरी वजह से अपने प्यार को त्याग कर दिया और अपने बाल भी मुझे दे दिए। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मैंने अपने अहंकार में भूल कर दी है। इस भूल को मुझे सुधारना होगा। उसके बाद सोनी अपने माता पिता को सारी बात बताती है। ये बात सुनकर उनको भी बहुत बुरा लगता है। वो चंदा के त्याग पर गर्व करते हैं। बचपन से लेकर आज तक बेटियों के भेदभाव के लिए उससे माफी भी मांगते हैं और चंदा और राजू की शादी करवा देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।